Okay, listen please. Listen please. Receivables management. Page number 159. Receivables management. Page number 159. Already जो question हो चुके हैं, question number 28, 29, 30 एंड 31, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं. सॉरी, यहां क्वेश्चन नंबर 38 भी हो चुका है. वो तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था एक. चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से. प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 32 गिवन ऑन पेज नंबर 159. हां जी, इजी लिमिटेड स्पेशलाइजेज in the manufacture of a computer component. The component is currently sold for rupees 1000 and its variable cost is rupees 800. For the year ended on 31st December 2008, the company sold on an average 400 components per month. At present, the company grants 1 month credit to its customers. The company is thinking of extending the same to 2 months, on account of which the following is expected: increase in sales, increase in stock, increase in creditors. You are required to advise the company on whether or not to extend the credit terms if A. All customers avail extended credit period of 2 months, and B. Existing customers do not avail the credit terms, but only the new customers avail the same. Assume in this case the entire increase in sales is attributable to new customers. The company expects minimum return of 40% on the investment. तो आप एक काम करेगा, आप पहले लिखेगा ऑप्शन वन. आप पहले लिखेगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन लिखेगा और इसके आगे लिखेगा, ऑप्शन वन के आगे लिखेगा एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. ऑप्शन वन के आगे लिखेगा extended credit period of 2 months to be allowed to all the customers. आपने लिखा option one, extended credit period of 2 months to be allowed to all the customers. यानी presently हम अपने customers को credit दे रहे हैं 1 महीने का. ऑप्शन नंबर वन ये है कि अब आप अपने सभी कस्टमर्स को क्रेडिट दीजिए 2 महीनों का. ठीक है, अब आप लिखिएगा ऑप्शन टू. आप लिखिएगा ऑप्शन टू. ऑप्शन टू है एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. Extended credit period of 2 months to be allowed to new customers only. Brackets में लिखेगा
इन सच ए केस कॉमा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू बी अलाउड एग्जिस्टिंग क्रेडिट ऑफ वन मंथ। अब आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस के बारे में बता दिया है, अब आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। हाँ जी, तो आपको ऑप्शन वन और ऑप्शन टू में से किसी एक ऑप्शन को पिक करना है, तो आपको फिर इसके लिए कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। आप शुरुआत तो सेल से कर सकते हैं, पर आपको खत्म कहां करना पड़ेगा, प्रॉफिट पर। और जिस ऑप्शन में बड़ा हुआ प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली आप उसके फेवर में अपनी बात कह देंगे। करें फिर शुरू। तो आइए सेल्स के साथ शुरुआत करते। एग्जिस्टिंग, हां, तो एक जगह क्वेश्चन कहता है कि प्रेजेंटली हम एक महीने में 400 कंपोनेंट बेचते हैं, प्रेजेंटली। अच्छा, तो आप सोचिए पूरे साल में आप कितने कंपोनेंट बेचेंगे, 400 मल्टीप्लाइड विद 12, ये भी ठीक है। अच्छा, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस बताइए, 1000 रुपए। तो प्रेजेंटली सेल कितनी है, 48 लाख। चलिए, ये तो आपने प्रेजेंट सेल बताई, ये सेल तो आपकी समय है ही। ऑप्शन नंबर वन में जाइए या ऑप्शन नंबर टू में जाइए, ये तो तय है कि आपकी सेल बढ़ जाएगी। आप सेल बढ़ाना चाहते हैं, वैसे आपकी सेल कितने परसेंटेज बढ़ जाएगी, 25%। कितना हो, 12 लाख। ठीक है ना? हाँ, तो सेल कितनी हो जाएगी, 60 लाख। अच्छा, ये तय है कि सेल 25% बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर वन में भी, ऑप्शन नंबर टू में भी। मैं कहना ये चाहता हूं सेल बढ़ने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर सेल का बढ़ा हुआ अमाउंट दोनों ऑप्शन में इक्वल है। सेल के बाद क्या लिखा जाए, वेरिएबल कॉस्ट। क्या इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट की डिटेल्स हैं, तो इसका मतलब मुझे वेरिएबल कॉस्ट के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। हां, तो आपने एक महीने में 400 कंपोनेंट बेचने हैं, पूरे साल में 400 इंटू 12, और एक कंपोनेंट का वेरिएबल कॉस्ट
800 रुपए, 38,40,000। तो आपने बताया 38,40,000, अगर सेल 25% बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो 25% बढ़ना चाहिए, 9,60,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाना चाहिए? चलिए आपने बताया 48 लाख। देखो भाई, आपने सेल पता कर लिया, आपने वेरिएबल कॉस्ट पता कर लिया, अब आप क्या पता कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लिखिएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में पहले क्या पता किया जाए? एग्जिस्टिंग। 48 लाख में से 38,40,000 माइनस करें तो 9,60,000। हम ये जानना चाहेंगे कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना है। सेल बढ़ी 12 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया 9,60,000, डिफरेंस 2,40,000। अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 12 लाख। वैसे क्या कहते हैं, ये जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, क्या मैं इसे एडिशनल प्रॉफिट का नाम दे सकता हूं? इसका मतलब आपने एडिशनल प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर ही लिया, जो ऑप्शन वन में भी 2,40,000 है, ऑप्शन टू में भी 2,40,000 है, तो क्या मैं ये कह दूं कि दोनों ऑप्शन मेरे लिए एक जैसे हैं? नहीं, क्योंकि अभी हमने दो मुद्दों पर बात ही नहीं करी। एक, हमने डेटर्स के बारे में बात नहीं करी, दूसरा हमने फाइनेंस के बारे में बात नहीं करी, तो इतनी जल्दी हम कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं? अब आप लिखिएगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब आप कहते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो उसमें तो एक तो है डेटर्स, दूसरा है स्टॉक, और तीसरा है क्रेडिटर्स। हां जी, तो आपने लिखा डेटर्स, आपने लिखा स्टॉक, आपने लिखा क्रेडिटर्स। डेटर्स पर तो हम ऑब्वियसली बात करेंगे ही, आइए स्टॉक और क्रेडिटर्स के बारे में पहले बात कर लें। क्वेश्चन कहता है कि आप जो एडवेंचर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसमें आपको स्टॉक 2 लाख का खरीदना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि स्टॉक 2 लाख का खरीदना पड़ेगा तो इसका मतलब आपको 2 लाख रुपए का कैश चाहिए स्टॉक खरीदने के लिए, इसका मतलब आपको 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी स्टॉक खरीदने के लिए। पर ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं। आप 2 लाख का स्टॉक खरीदने जरूर गए हो, पर मैंने सुना है कि आपने 1 लाख का स्टॉक उधार में खरीदा, क्योंकि आपका क्रेडिटर्स बैलेंस 1 लाख रुपए बढ़ गया है कि? इसका मतलब आपने खुद का कैश कितना लगा दिया? 1 लाख। 2 लाख का स्टॉक खरीदने में आपका खुद का कैश लगा 1 लाख।
इस पर आपकी तरफ से ये दलील दी जा सकती है कि अरे क्रेडिटर्स अगर आज उधार सामान खरीदा है तो कल तो पैसे देने ही होंगे। आपकी ये स्टेटमेंट ये जाहिर करती है कि आप वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को अभी तक नहीं समझे। अरे क्रेडिटर को हम सारी जिंदगी पैसे नहीं देंगे, हमारे डेटर हमें सारी जिंदगी पैसे देते नहीं देते। जब हम उनसे सामान पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो हमको क्या कहते हैं कि अगला सामान उधार पर बेच दो और पिछले सामान जो आपने बेचा था उसके पैसे ले जाओ। यानी पिछले पैसे मिलते ही तब है जब हम अगला सामान उधार पर बेचते। अरे ये तो सर्कल घूमता है। इसका मतलब अगर आज हमने क्रेडिटर से लाख रुपए का सामान उधार पे खरीदा है, हम इसको घुमाएंगे। अब पुराने लाख रुपए देंगे, अगले एक लाख का सामान खरीद लेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम जिंदगी भर में कभी ये रुपए वापस भी लौटाएं। अनलेस कल को बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाए तो वो एक दूसरा इश्यू जरूर। ओके, आप इस बात को मानते हैं कि अपने को कैश चाहिए सिर्फ एक लाख, पर अपने को कैश और चाहिए क्योंकि हमको डेटर्स में भी तो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसका मतलब अब ये आंसर हमारे डेटर्स की कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट हो गया। तभी तो चैप्टर का नाम है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो एक काम करेगा, अभी हम नीचे चार पांच लाइनों की जगह छोड़ दीजिए, चार पांच लाइनों की जगह छोड़ के हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स। आइए डेटर्स में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे कैलकुलेट किया जाए। इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स, ठीक है ना? हाँ, तो लिखेगा सिंस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, सिंस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल, सिंस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल इट इज डिसाइडेड टू कंप्यूट, इट इज डिसाइडेड टू कंप्यूट द इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स, इट इज डिसाइडेड टू कंप्यूट द इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज डिसाइडेड टू कंप्यूट द इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अगले पैराग्राफ में लिखिएगा प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड इज वन मंथ, प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड इज वन मंथ एंड एज सच द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, एंड एज सच द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग वन मंथ वेरिएबल कॉस्ट। मतलब डेटर्स बैलेंस एक महीने की सेल, पर इन्वेस्टमेंट एक महीने की वेरिएबल कॉस्ट, वन मंथ वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज देखिए प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट है 38,40,000। प्रेजेंटली आप अपने कस्टमर्स को एक महीने का क्रेडिट देते हैं, तो डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है एक महीने की वेरिएबल कॉस्ट। कितना लिखा जाए 3,20,000। हां जी, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये क्या आपने कैलकुलेट करा है प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स विच इज रिप्रेजेंटिंग वन मंथ वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड इज वन मंथ। यहां तक ठीक है? चले अगली लाइन में लिखेगा इन प्रपोज्ड ऑप्शन वन
proposed option 1, comma, it is recommended to extend credit period. It is recommended to extend credit period to 2 months. To extend credit period of 2 months, and such extension is to be allowed to all the customers. And such extension is to be allowed to all the customers. Full stop. Hence, comma, the investment in the debtors. Hence, the investment in the debtors must be representing. The investment in the debtors must be representing 2 months variable cost. 2 months variable cost. That is, देखिए अब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो चुकी है, यहां से देखिएगा रुपीस 48 लैक्स. अब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो चुकी है 48 लैक्स. ये एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है, आप मुझे टू मंथली वेरिएबल कॉस्ट बताएं. 8 लैक्स. क्रेडिट पीरियड 2 महीने को हो चुका है, यानी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 2 महीनों की वेरिएबल कॉस्ट. अब जरा एग्जिस्टिंग सिचुएशन से कंपेयर करेंगे. डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है, 4,80,000 बढ़ रही है. तो आप लिखेगा, हेंस कॉमा as compared to existing situation, as compared to existing situation, comma, the investment in the debtors, the investment in the debtors in option 1, the investment in the debtors in option 1 will get increased by rupees 4,80,000. कैसे आया, 8 लाख माइनस 3,20,000. ओके, ठीक है. तो आपने ये पता कर लिया है कि ऑप्शन 1 में आपकी डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ जाएगी. आइए अब हम ऑप्शन 2 के बारे में बात करें. लिखिएगा, इन प्रपोज्ड ऑप्शन टू द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. इन प्रपोज्ड ऑप्शन टू द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स is to be allowed to new customers only. ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का क्या होगा, उनको एग्जिस्टिंग 1 महीने का क्रेडिट दिया जाता रहेगा. इन सच ए केस कॉमा total investment in the debtors is computed below. तब जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा, हम कितनी सावधानी से ये कैलकुलेशन करेंगे. एक है existing customers और दूसरा है न्यू कस्टमर्स.
एग्जिस्टिंग कस्टमर्स न्यू कस्टमर्स की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की वेरिएबल कॉस्ट ये रही 38,40,000, न्यू कस्टमर्स की वेरिएबल कॉस्ट है 9,60,000। हां जी, चूंकि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आज भी एक महीने का क्रेडिट दे रहे हो, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है एक महीने की वेरिएबल कॉस्ट 3,20,000, और आप नए कस्टमर्स को दो महीने का क्रेडिट दे रहे हो, तो उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट है दो महीने की वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000, और दोनों का टोटल 4,80,000। हम देखते हैं कि पुराना 3,20,000 तो आज भी है, इसका मतलब आपकी डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बड़ी सिर्फ न्यू कस्टमर्स के कारण है, और वो कितनी बड़ी है 1,60,000 है कि नहीं। तो आप लिखे हेंस एज कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एज कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन कॉमा the investment in the debtors, the investment in the debtors in option 2, the investment in the debtors in option 2 will get increased by rupees 1,60,000, 1,60,000 rupees। चलिए आंसर में आइए, तो डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट पहले ऑप्शन में बढ़ रही है 4,80,000, दूसरे ऑप्शन में बढ़ रही है 1,60,000, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 में जाने का मतलब है कि आपको बिजनेस में और फंड्स इन्वेस्ट कितने करने होंगे, 4,80,000 जमा 2,00,000 घटा 1,00,000, 5,80,000। ऑप्शन 2 में जाने का मतलब 2,60,000। तो आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट बता दिया है ऑप्शन 1 में भी और ऑप्शन 2 में भी। अब फाइनेंसिंग कॉस्ट के बारे में बात करिए, फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट एट रेट ऑफ, क्वेश्चन में लिखा होगा 40%, तो आपके जो फाइनेंसर आपको मिला है वो आपको 5,80,000 रुपए देने को तैयार है, प्रोवाइडेड उसको इस पर 40% चाहिए रिटर्न, कितना हो गया 2,32,000, 1,04,000। ये आपने मुझे बताया फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। लास्ट में आपको क्या लिखना चाहिए, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट, हां जी। दोनों ऑप्शन ये कह रहे थे कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा 2,40,000, हमें इससे इनकार नहीं है, हमारा बिजनेस हमको 2,40,000 का प्रॉफिट बढ़ा के दे रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि कमाई पर पहला हक फाइनेंसर का होता है, 2,40,000 में से मुझे फाइनेंसर को कितने देने होंगे 2,32,000, मेरे घर कितना पहुंचेगा, बाकी बचा 8,000।
ठीक है ना, 240,000 में से फाइनेंसर ले जाएगा 104,000, मेरे घर पहुंचेगा 136,000। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। बिजनेस कभी फाइनेंस के बारे में बात थोड़ी करता है, बिजनेस का जो डिस्कशन है वो ईबीआईटी पर आकर खत्म हो जाता है। ईबीआईटी से बाद के मुद्दों पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात होती, तो बिजनेस कहेगा मेरे लिए तो दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। अब आपके घर सारे पैसे नहीं पहुंचते तो ये मेरी समस्या थोड़ी है, ये तो आपकी समस्या है, आपने क्यों लोन ले रखा है। अगर आपने लोन नहीं लिया होता तो ऐसे झंझट ही ना होते। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, ये बिजनेस कैलकुलेशन नहीं है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना। देखो जी, कॉस्टिंग बिजनेस को पढ़ाती, लेकिन कॉस्टिंग की पढ़ाई ईबीआईटी पे खत्म हो जाती, उसके बाद की पढ़ाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करानी पड़ती। खैर, कंक्लूजन लिखेगा, द अमाउंट ऑफ नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट विल बी मोर इन ऑप्शन टू, द अमाउंट ऑफ नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट विल बी मोर इन ऑप्शन टू, फुल स्टॉप। हेंस इट इज एडवाइज्ड, इट इज एडवाइज टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड, इट इज एडवाइज टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 1 month टू 2 months, फ्रॉम 1 month टू 2 months ओनली इन केस ऑफ न्यू कस्टमर्स, ओनली इन केस ऑफ न्यू कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देने के बाद आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो कि इस चैप्टर के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता। क्वेश्चन नंबर 37 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हां जी, द प्रेजेंट क्रेडिट टर्म्स ऑफ पी कंपनी आर 1/10 नेट 30। एक बार फिर से क्या लिखा है, वन बाय टेन नेट 30, ये लिखा हुआ ना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बड़ी सारी बातें इसलिए मार्केट में प्रिवेल करती हैं क्योंकि उनका चलन बड़े टाइम से चला रहा होता, तो हम लोग उसके ऐसे होने पे ऑब्जेक्शन नहीं करते, और हो सकता है हमें उसका मतलब ही ना मालूम, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो मैं आपको बता सकता हूं जी, इसका मतलब क्या लिया जाता, अब ऐसे क्यों लिखा जाता है इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। अगर कोई ऐसे लिखता है तो उसका मतलब होता है कि वैसे तो हम आपको क्रेडिट देते हैं 30 दिन का वैसे, लेकिन अगर आपने 10 दिन में पेमेंट कर दी तो हम आपको 1% का डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसे बात लिखी जाती, ऐसे बात कही जाती। अब क्यों कही जाती है मुझे क्या पता भाई, मैं तो आपको बता सकता हूं जिसका ये मतलब होता। मान लो कहीं लिखा हुआ मिले 3/15 नेट 35, तो इसका क्या मतलब, वैसे क्रेडिट पीरियड 35 दिन का, अगर 15 दिन में पेमेंट करोगे 3% माफ कर देंगे। चलो आगे बढ़े, इट्स एनुअल सेल्स आर ₹80 lakhs, एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 20 डेज। ये क्या बात हुई बोला, अभी तो हम कह रहे हैं कि क्रेडिट पीरियड 30 दिन का है। इस पर हमारा जवाब है, हाँ वो ठीक है, पर एवरेज कलेक्शन पीरियड तो 20 दिन का है। देखो, सारे कस्टमर तो 30 दिन के बाद पेमेंट नहीं करते होंगे,
कुछ कस्टमर तो पहले दिन में पेमेंट कर देते। अच्छा, बड़े सारे कस्टमर ऐसे भी तो होंगे जो 10 दिन में पेमेंट करके 1% डिस्काउंट की डिमांड करेंगे। तो ये हम आपको ऑन एन एवरेज बता रहे हैं भाई, ये ऑन एन एवरेज है। अच्छा, जैसे किसी टेलीफोन कंपनी के, मोबाइल फोन कंपनी के करोड़ों सब्सक्राइबर हो सकते हैं। जब आपके घर टेलीफोन का बिल आता है तो उसमें आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, तो क्या सभी कस्टमर्स 15वें दिन में जाके पैसे देते? कुछ तो ऐसे जो पहले दिन पैसे दे जाते, कुछ दूसरे दिन, कुछ तीसरे दिन। इसका मतलब मान लो मैंने टेलीफोन कंपनी से पूछा कि बताओ आपके कस्टमर आपको कितने दिनों में पैसे दे देते हैं, वो कहेंगे जी ये तो बड़ा मुश्किल सवाल हुआ, करोड़ों सब्सक्राइबर है, उसमें लाखों तो ऐसे हैं जो एक दिन में पैसे दे गए, फिर कुछ लाख ऐसे हैं जो दो दिन में पैसे दे गए, कुछ लाख ऐसे हैं जो तीन दिन में, तो कैसे बताएं? हमने कहा तो इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है, एवरेज ही बता दो। एवरेज ही कैलकुलेशन है ये, यानी ऑन एन एवरेज आपको पैसे 20 दिनों में मिल जाते हैं, ऑन एन एवरेज। आगे क्वेश्चन कहता है वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आर रेस्पेक्टिवली 0.85 रेस्पेक्टिवली। 0.85 मीन्स 85%, 0.95 मीन्स 95%। ओके, तो 85% वेरिएबल कॉस्ट, 95% टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। द प्रोपोर्शन ऑफ सेल ऑन विच कस्टमर्स करंटली टेक डिस्काउंट इज 0.5। अब ये बताओ क्या 0.5 का मतलब 5% होता? 0.5 का मतलब 50% होता। बेसिकली 0.50 लिखना होता है, पर कई लोग जल्दी जल्दबाजी में जीरो नहीं लिखते, तो 0.5 का मतलब 5% नहीं होता, 50% होता। क्या ये बात सही है? ये बहुत सारे लोगों को समझानी पड़ती। किसी को कहो ना कि 1,05,000 कैसे लिखते हैं, कहते हैं जी 1.5 लाख। लो, एक और 1.5, उसको कहना पड़ता 1.05, तो उसको विश्वास ही होता है 1.05 कैसे हो गया, तो 1,05,000 है, ये जीरो कहां से आ गया बीच में। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। 0.5 मींस 50%। वो ये कहना चाहता है कि आधे यानी 50% कस्टमर ऐसे हैं, 50% कस्टमर ऐसे हैं जो पैसे 10 दिन में देकर जरूर हमसे 1% डिस्काउंट ले जाते होंगे। ठीक है ना? आगे, पी कंपनी इज कंसीडरिंग रिलैक्सिंग इट्स डिस्काउंट टर्म्स टू 2/10 नेट 30। अब हम क्या कह रहे हैं कस्टमर को कि 10 दिन में पैसे दो और 2% डिस्काउंट ले जाओ, तो ये तो लालच देने वाली बात है। अब ज्यादा कस्टमर हमारे इस लालच वाले ऑफर में आ सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है सच रिलैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स बाय ₹5 लाख, रिड्यूस द एवरेज कलेक्शन पीरियड टू 14 डेज। फायदा हो रहा है, अब 14 दिनों में ही हमारे पैसे ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। एंड इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ डिस्काउंट सेल टू 0.8 मीन 80%। अब 80% कस्टमर ऐसे हैं जो पैसे 10 दिनों में देकर हमसे 2% डिस्काउंट ले जाते। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सिंग द डिस्काउंट पॉलिसी ऑन कंपनीज प्रॉफिट टेक ईयर एज 360 डेज। मैंने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिखिएगा ए, डिस्काउंट देखिए, प्रेजेंटली हमारी टोटल सेल है 80 लाख रुपए। प्रेजेंटली हमारी टोटल सेल है 80 लाख रुपए, और 50% कस्टमर ऐसे हैं
जो पैसे देने जल्दी आ जाते और हमें उनको कितना डिस्काउंट देना पड़ता है, 1%। तो कितना डिस्काउंट देना पड़ता है, 40,000। चालीस लाख का 1% 40,000 ही होता है। इसका मतलब प्रेजेंटली हम डिस्काउंट दे रहे हैं 40,000 रुपए, ठीक है ना? देखो भी जो प्रपोज्ड सिचुएशन है वो ये है कि अब सेल हो जाएगी 85 लाख। सेल 5 लाख बढ़ जाएगी ना। अब क्या होगा कि 80% कस्टमर्स ऐसे हैं जो पैसे देने जल्दी आ जाएंगे और हमसे कितना डिस्काउंट दे जाएंगे, 2%। कितना हुआ, 1,36,000। यानी जो पुराना डिस्काउंट 40,000 है अब वो बढ़कर हो जाएगा 1,36,000। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका डिस्काउंट बढ़ कितना जाएगा? आपने तो शुरुआत ही अनफेवरेबल फैक्टर से करी, डिस्काउंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, अनफेवरेबल फैक्टर है। अब कोई सिचुएशन हमारे फेवर में भी तो आए, और फेवर वाली सिचुएशन 96,000 से ज्यादा होनी चाहिए तभी बात बनेगी। अगर फेवर वाली सिचुएशन कम है तो फिर ये ऑफर अपने को एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है ना? चलिए, एक कैलकुलेशन तो आपने करी, अब आप लिखेगा दूसरी कैलकुलेशन और उसकी हेडिंग डालेगा कंट्रीब्यूशन। हमें यह जानकारी मिली है कि हमारी सेल बढ़ जाएगी 5 लाख रुपए, पर आप जानते हैं बढ़ी हुई सेल और बढ़ा हुआ प्रॉफिट दो अलग अलग बातें होती। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए, है ना? ऑब्वियस सी बात है, सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। हालांकि ये मैं मानता हूं कि फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट लिखा है 0.85, दैट इज 85%। 85% हो गया 4,25,000 रुपए, डिफरेंस बताया जाए 75,000। 75,000 के आगे क्या लिखा जाए, इंक्रीज इन प्रॉफिट, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ता है उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है। भाई बात कुछ जमी नहीं, 75,000 सफिशिएंट नहीं है, अनफेवरेबल फैक्टर बहुत बड़ा है, ये बात कुछ बन नहीं रही। हमें एक और सपोर्ट अगर कहीं से मिले तो शायद बात बन जाए। अब आप लिखिएगा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, शायद यहां कुछ बात पर है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन में आप शुरुआत कहां से करेंगे? आप लिखिए आप प्रेजेंट कलेक्शन पीरियड, प्रेजेंटली हमें कस्टमर से पैसे कितने दिनों में मिल जाते हैं, 20 डेज। तो डेटर्स बैलेंस 20 दिनों की सेल,
पर इन्वेस्टमेंट 20 दिनों की कॉस्ट। क्वेश्चन में लिखा है कि जो आपकी कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट है ना, वो 95% है। अगर सेल 80 लैक्स है तो उसका 95% जाने 76 लैक्स, ठीक है ना। तो चूंकि आपका कलेक्शन पीरियड 20 दिन का है तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 20 दिनों की कॉस्ट। देखो भी एनुअल वेरिएबल एनुअल टोटल कॉस्ट है 76 लैक्स। ये कितने दिनों की कॉस्ट है? 360। हम तो 20 दिनों की कॉस्ट जानना चाहते हैं, बताइए। 4,22,222, ठीक है ना। चार पंचम दो। चलिए, ये आपने लिखा प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। अब आप क्या लिखिएगा? प्रपोज्ड कलेक्शन पीरियड। बताइएगा नई सिचुएशन में कस्टमर से पैसे कितने दिनों में मिल जाएंगे? 14 डेज। सही बात है। तो आप क्या कहने लगोगे कि डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है 14 दिनों की कॉस्ट। ओके, पहले आप टोटल कॉस्ट पता करें, उसके बाद ही आप 14 दिनों की कॉस्ट बता सकते हैं। देखो भाई, प्रेजेंट टोटल कॉस्ट आपकी ये रही 76 लाख, लेकिन ये प्रेजेंट टोटल कॉस्ट है, ये प्रेजेंट टोटल कॉस्ट, दिस इज एट प्रेजेंट, ठीक है ना। आप जो नया एडवेंचर करने जा रहे हैं उसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? ये रही 4,25,000 रुपए। 4,25,000 क्या है? इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, जब आपने प्रेजेंट टोटल कॉस्ट बताई तो क्या उसमें फिक्स्ड कॉस्ट पहले से इंक्लूडेड थी? ऑब्वियसली। अच्छा, नए एडवेंचर में वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी चाहिए, यह बात तो मैं मान सकता हूं, पर क्या फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जानी चाहिए? फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाए तो फिर इसका नाम फिक्स कॉस्ट बदलना पड़ेगा। कैसे बढ़ सकती है वो भाई? इसका मतलब अब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए? फिर से बताइए, 80,25,000, ठीक है ना। अब चूंकि कलेक्शन पीरियड 14 दिन का है तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 14 दिनों की टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हो चुकी है 80,25,000, लेकिन हम जानना चाहते हैं 14 दिनों की टोटल कॉस्ट। 3,12,083 रुपए। तो जब हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन से कंपेयर करते हैं
तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कम हो गई। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, आपने बताया 110,000 110,139 रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ये आप ही के पैसे थे जो डेटर्स में फंसे हुए थे, अब अगर ये पैसे वापस आ गए तो ये कोई एडवांटेज नहीं है, पर इन रुपयों को आप कहीं इन्वेस्ट करके अगर इस पर कुछ कमा लें तो वो तो एडवांटेज है। फाइनेंशियल बेनिफिट, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है 10%, तो आइए इन फंड्स को कहीं इन्वेस्ट करके इनके ऊपर 10% कमाया जाए। 10% ऑफ 110,139, फाइनेंशियल बेनिफिट 11014। ए बी और सी कैलकुलेशंस होगी, डी कैलकुलेशन लिखिएगा, नेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। नेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लिखिएगा, फेवरेबल फैक्टर है बी प्लस सी, अनफेवरेबल फैक्टर है ए। पहले आप दोनों फेवरेबल फैक्टर ऐड कर ले, अनफेवरेबल फैक्टर माइनस कर ले। बी में आपको एडवांटेज मिला है 75,000 का, सी में आपको एडवांटेज मिला है 11,014 का, ए में डिसएडवांटेज है, ए में डिसएडवांटेज कितना है 96,000 माइनस 9986। अब क्या कहते हैं आप, तैयार नहीं आप इस काम के लिए? हां जी लिखिएगा, द रिलैक्सेशन इन द डिस्काउंट पॉलिसी, द रिलैक्सेशन इन द डिस्काउंट पॉलिसी इज नॉट रेकमेंडेड एज इट मे लीड टू decrease in profit to the extent of rupees 9986 क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। क्वेश्चन नंबर 41, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। ए, टोटल सेल्स बीइंग 1,20,00,000, क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल्स, 60% of customers pay their amount within 10 days and remaining 40% customers pay their amount within 60 days.
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 80%, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 80%, 50% फाइनेंसिंग इज अरेंज एट रेट ऑफ 14%, रिमेनिंग 50% एट रेट ऑफ 15%, टोटल 360 डेज इन अ ईयर. रिक्वायर्ड नंबर वन एवरेज कलेक्शन पीरियड, नंबर टू डेटर्स बैलेंस, नंबर थ्री इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, नंबर फोर फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. हां तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? तो लिखिएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड. क्वेश्चन कहता है पॉइंट नंबर सी में कि हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो 10 दिनों में पैसे दे देते हैं. हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो 10 दिनों में पैसे दे देते हैं, और कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो 60 दिनों में पैसे दे देते हैं. ठीक है ना? हम जानना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स ऑन एन एवरेज कितने दिनों में पैसे दे देते हैं. पर आंसर देने सुना करो, बीच में मत बोला करो. आंसर देने का यह तरीका गलत क्यों है? क्योंकि ये तरीका दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहता. भाई आखिरकार दोनों की जब इक्वल इंपॉर्टेंस है ही नहीं तो आंसर देने का ये तरीका सही कैसे हो सकता है? आखिरकार तो कुछ कस्टमर्स, ये जो आप बता रहे हो 10 दिन में पैसे देने वाले सिर्फ कितने कस्टमर्स हैं? 60% कस्टमर है, और 60 दिन में पैसे देने वाले 40% कस्टमर है. आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते. मैं कहता हूं अगर कल को ये फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता, बहुत थोड़े कस्टमर अगर 60 दिन में पैसे देते, मान लो सिर्फ 10% कस्टमर 60 दिन में पैसे देते और 90% कस्टमर 10 दिन में पैसे देते हैं, तो क्या आपको इस परसेंटेज से कोई लेना देना ही नहीं है? सिंपल अरिथमेटिक मीन तो यही कहना चाहते ना कि सारी बातें बेकार की हैं, बस सिंपली दोनों को ऐड करो, टू से डिवाइड करो, अपने से ना ज्यादा दिमाग पर बोझ नहीं डाला जाता. वही तो सिंपल अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट ही गलत है. इसलिए इस तरीके से कैलकुलेशन करना अपने आप में गलत कैलकुलेशन है. हमें इंपॉर्टेंस तय करनी होगी. हां तो आइए इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर सोचे तो 10 दिनों में पैसे आते हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन 10 दिनों की अहमियत है 60%. दस दिनों को 60% इंपॉर्टेंस दी जाए. 60 दिनों में भी पैसे आते हैं पर 40% कस्टमर ऐसा करते हैं, तो 60 दिनों को 40% इंपॉर्टेंस दी जाए. आप बताइए, द आंसर इज 30 डेज. आप अभी आंसर 35 डेज बता ही रहे थे सिंपल एवरेज के हिसाब से, पर वेटेड एवरेज कहते नहीं, ऑन एन एवरेज सोचे तो पैसे 10 दिनों में आ जाते हो, 30 दिनों में आ जाते हो. नंबर टू क्या है? क्या जी डेटर्स बैलेंस बताइए. अच्छा, अगर डेटर्स बैलेंस ही बताना है तो अगर आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का है तो डेटर्स बैलेंस हो गया 30 दिनों की क्रेडिट सेल. ओके, तो फार्मूला लगाइएगा, एनुअल क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड विद 30 डेज डिवाइडेड बाय 360 डेज.
ठीक है ना। अब आपने कहा जी टोटल सेल 1,20,00,000 है लेकिन क्रेडिट सेल उसका 75% है, तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? 90,00,000। तो एनुअल क्रेडिट सेल 90,00,000 है पर मैं 30 दिनों की क्रेडिट सेल जानना चाहता हूं। तो आपने बताया 7,50,000 रुपए। क्या ये बात सही? अच्छा डेटर्स बैलेंस तो आपने आसानी से बता दिया, अब हम क्या बताएं? इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। देखो भाई डेटर्स बैलेंस है 30 दिनों की क्रेडिट सेल पर इन्वेस्टमेंट है 30 दिनों की कॉस्ट, लेकिन वो कॉस्ट जो क्रेडिट सेल के कंटेक्स्ट में है। एनुअल कॉस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगर आपको किसी तरीके से एनुअल कॉस्ट पता चल जाए तो आप उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई करिएगा, 360 डेज से डिवाइड करिएगा, काम हो जाएगा। आपको क्या बताना है? एनुअल कॉस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। देखिए क्रेडिट सेल्स हमने अभी अभी पता करी 90,00,000 रुपए, लेकिन ये तो सेल वैल्यू है, इसमें से प्रॉफिट को आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको कहा गया है पॉइंट नंबर डी में कि कॉस्ट 80% होती है। 80% कितना हो गया? 72 लाख। एनुअल कॉस्ट अगर 72 लाख है तो क्या आप 30 दिनों की कॉस्ट पता कर सकते हैं? फिर से बताइए। 6 लाख। चलिए आपने बताया 6,00,000। अच्छा क्वेश्चन में चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है ये जो हमने फाइनेंसिंग करवा रखी है ना, ये हमने एक आदमी से नहीं करवाई। अब हमने एक तरीके से 6,00,000 का लोन ले रखा है। पॉइंट नंबर ई में कहा गया कि आधी फाइनेंसिंग तो 14% के रेट पर हुई है और बाकी आधी फाइनेंसिंग जो है वो 15% के रेट पर हुई है। हमारे फाइनेंस जो है वो है 6,00,000 रुपए, तो आधे हो गए 3,00,000 रुपए। तो आधा 3,00,000 रुपए 14% के रेट पर फाइनेंस्ड है, बाकी आधा 3,00,000 रुपए ये 15% के रेट पर फाइनेंस्ड है। चौदह परसेंट के रेट पर फाइनेंसिंग कॉस्ट कितनी? 42,000 और 45,000। तो टोटल फाइनेंसिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 87,000। ये आपने क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दे दिया। सिंपल सा ही क्वेश्चन था वैसे, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल मैटर तो इसमें था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 को अटेम्प्ट करने के बाद अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आइए। हाँ जी, ए फर्म हैज करंट सेल्स ऑफ रुपीस 2,56,48,750।
In order to boost the sales, it is considering relaxation in credit policy by increasing it from 45 days to 60 days. As a result, the bad debts will increase from 1.5% to 2% of sales. The firm sales are expected to increase by 10%. Variable costs are 72% of sales. Tax rate is 35%. Required rate of return after tax is 15%. Should the firm change its credit period? Aap heading dalenge. Evaluation of the decision regarding change in credit period. Evaluation of the decision regarding change in credit period from 45 days to 60 days. Change in credit period from 45 days to 60 days. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है, अगर आपने क्रेडिट पीरियड में बदलाव किया तो इससे होगा ये कि आपकी सेल जो है ना वो 10% इंक्रीज कर जाएगी। हम वही तो जानना चाहते हैं, सेल कितनी बढ़ जाएगी। कितनी सेल बढ़ जाएगी वैसे? 25 lakhs, 64,875. देखो जी, यही अकेला फेवरेबल फैक्टर है। अब बड़े सारे अनफेवरेबल फैक्टर है, उनको माइनस करिए। उन सबको माइनस करने के बाद अगर एक रुपया भी बच जाए ना, हम कहेंगे चलो ठीक है, अभी ये काम करते हैं कि नहीं? चलो भाई, अब एक एक करके आप मुझे अनफेवरेबल फैक्टर बताएंगे। इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, जितनी सेल बढ़ेगी उसका 72% वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। 1846710, ठीक है, 1846710। तो इंक्रीज इन सेल्स में से आपने इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा, माइनस इंक्रीज इन बैड डेट्स, जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो ज्यादातर स्टूडेंट्स बस इसी कैलकुलेशन को ठीक नहीं कर पाए, बाकी क्वेश्चन उनसे हो गया। भाई ये कैलकुलेशन नहीं, इंक्रीज इन बैड डेट्स नहीं कैलकुलेट कर पाया, बताओ। सबसे सिंपल कैलकुलेशन है कि बैड डेट्स बढ़ गए, कितने बैड डेट्स बढ़ गए। ज्यादातर स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को डील नहीं कर पाए, वेरी सरप्राइज, वेरी सरप्राइजिंग। देखिएगा, आप भी देखोगे ना तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा।
जानते हैं ये कैलकुलेशन ठीक है। बेसिकली इंक्रीज इन बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? बैड डेब्ट्स अंडर न्यू सिचुएशन माइनस बैड डेब्ट्स अंडर ओल्ड सिचुएशन। ओल्ड सिचुएशन क्या है? पहले बैड डेब्ट होता था पहले की सेल का 1.5%, है ना। अब बैड डेब्ट कितना होगा? अब की सेल का 2%। अब की सेल यानी पुरानी सेल में नई सेल ऐड करोगे तो ये हो गई अब की सेल, और अब का बैड डेब्ट अब की सेल का 2%। अब ये कैलकुलेशन ज्यादातर से डील नहीं कर पाए, बस वो आधे परसेंट के डिफरेंस के पीछे पड़े रहे। सिंपल सा मैथमेटिकल माइंड अप्लाई करिए, आधा परसेंट तो कैलकुलेशन ही गलत है ना। इंक्रीज इन बैड डेट्स का मतलब है न्यू बैड डेट माइनस ओल्ड बैड डेट। खैर चले, कितना है वैसे? 1795 4 ओके 179541। तो आपने इंक्रीज इन सेल्स में से पहले इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, फिर इंक्रीज इन बैड डेब्ट्स माइनस करा। अब आप मुझे डिफरेंस बताइए। डिफरेंस बताइए। 538624। इसके आगे क्या लिखा जाए? इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट आपको कितना दे रखा है? 35%। 188518 350106 ओके, दिस इज इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लास्ट में आप इसमें से माइनस करेंगे फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। क्वेश्चन में गिवन है कि फंड्स जो हमें मिलेंगे उसका फाइनेंसिंग कॉस्ट है 15%। हां जी, बस आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपको कितने फंड्स को अरेंज करना पड़ेगा इस काम के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंड्स को अरेंज करने का मतलब क्या होता है। या तो आप एक काम करो, आप ना किसी से उधार ले लो, डिवेंचर इश्यू कर लो, लोन ले लो, यह काम करेंगे। नए शेयर इश्यू कर लो, शेयर होल्डर से पैसे मांग लो। इस क्वेश्चन में क्या मुझे इस बात का सबूत दे सकते हैं कि मैंने पैसे शेयर होल्डर से मांगे? मुझे इस क्वेश्चन में इस बात का सबूत चाहिए कि पैसे शेयर होल्डर से मांगे गए। हां, अगर मैंने डिवेंचर होल्डर से पैसे मांगे होते तो तुम्हें इंटरेस्ट देता। इंटरेस्ट तो टैक्स से पहले डील होता। अब अगर आप टैक्स के बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब आप डिविडेंड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इसका मतलब आपने पैसे शेयर होल्डर से मांगे। क्या ये बात सही? अच्छा, हमें पता तो तभी चल गया था जब क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% आफ्टर टैक्स। बताओ,
وہ یہ کہنا چاہتا ہے پہلے ٹیکس کی کیلکولیشن کر لینا پھر دیکھیں گے اس بات کو. پھر دیکھیں گے کیا مطلب؟ پھر تو ڈیویڈنڈ دیکھنا پڑ جائے گا. ٹیکس کے بعد کیلکولیشن کرواؤ گے تو پھر اس کا مطلب آپ ڈیویڈنڈ کی کیلکولیشن کروانا چاہتے. چلیے ٹھیک ہے, پیسے جہاں سے مرضی آئے پتا تو کریے کہ پیسے آئیں گے کتنے. تو چلیے ہیڈنگ ڈالے گا کمپیوٹیشن آف ایڈیشنل انویسٹمنٹ ان ڈیٹرز. کمپیوٹیشن آف ایڈیشنل انویسٹمنٹ ان ڈیٹرز. تو آپ لکھیں گے since the information regarding total cost, since the information regarding total cost is not available, since the information regarding total cost is not available, it is decided to compute the investment made in debtors it is decided to compute the investment made in debtors on the basis of variable cost. Okay, تو طے ہو گیا. ہم variable cost کے basis پر اس کا answer دینا چاہیں گے. پہلے لکھے گا پریزنٹ کریڈٹ پیریڈ. بتائیں گے پریزنٹ کریڈٹ پیریڈ کتنا ہے؟ 45 ڈیز. تو ڈیٹرز بیلنس ہے 45 دنوں کی سیل, پر انویسٹمنٹ ہے 45 دنوں کی ویریبل کاسٹ. ویریبل کاسٹ اس کوشچن میں. پریزنٹ سیل کتنی ہے؟ جتنی بھی ہے ویریبل کاسٹ اس کا 72%. پریزنٹ سیل ہے 2,56,48,750. یہ پریزنٹ سیل ہے اور پریزنٹ ویریبل کاسٹ پریزنٹ سیل کا 72%. 1,84,67,100. سو پریزنٹ ویریبل کاسٹ پریزنٹ سیل کا 72%. ہم تو جاننا چاہتے ہیں پریزنٹ انویسٹمنٹ ان ڈیٹرز. پریزنٹ انویسٹمنٹ ان ڈیٹرز 45 دنوں کی ویریبل کاسٹ. ٹوٹل ویریبل کاسٹ 1,84,67,100. یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کتنے دنوں کو؟ 365 دنوں کو. آپ سوچئے 45 دنوں کی ویریبل کاسٹ کتنی ہوئی؟ 22,76,766. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے مجھے بتایا پریزنٹ انویسٹمنٹ ان ڈیٹرز. پروپوزڈ کریڈٹ پیریڈ بتائیں گے 60 ڈیز. پروپوزڈ ویریبل کاسٹ, ویسے پہلے آپ کی ویریبل کاسٹ یہ رہی 1,84,67,100. یہ ویریبل کاسٹ تو پہلے ہی ہے. بڑی ہوئی ویریبل کاسٹ یہ رہی, بڑی ویریبل کاسٹ 18,46,710. 2,03,13,810. یہ جی آپ نے مجھے بتا دیا پروپوزڈ ویریبل کاسٹ. پھر آپ لکھنا چاہیں گے
प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, चूंकि आपका प्रोपोज क्रेडिट पीरियड 60 दिन का है तो प्रोपोज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 60 दिनों की वेरिएबल कॉस्ट। साठ दिनों की वेरिएबल कॉस्ट कितनी लिखी जाए? 333 9256। अब जरा एग्जिस्टिंग सिचुएशन से कंपेयर करके बताइए डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है। वन जीरो सिक्स टू 490। तो आप लिखेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 1062490। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 1062490। ये आपने फंड्स अरेंज करे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। 1593 74। चलिए फाइनली आपकी जेब में रह गया 1907732। ओके 1907732। तो अल्टीमेटली हमारी जेब में कुछ बचा ही है तो इसका मतलब हम इसके फेवर में हैं। कंक्लूजन लिखेगा इट इज रेकमेंडेड टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 45 डेज टू 60 डेज एज इट विल लीड टू नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट to the extent of rupees 190732 चलिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दिया। अब आप पिछले पेज पर वापस आ जाइएगा। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 33। हां जी ए ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर्स विद 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट डिजायर्स टू एस्टेब्लिश बिजनेस कनेक्शन विद यू। पहले से यह बात हम आपको बता दें कि बैड डेट का रिस्क है 10% का। 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट का मतलब यह कि बैड डेट का 10% का रिस्क है। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 months ऑफ क्रेडिट एंड इज लाइकली टू इंक्रीज योर सेल्स बाय ₹60,000 पर एनम। प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 80% ऑफ सेल्स। Should you are required to pay income tax at rate of 50%, should you accept the offer if required rate of return is 40% after tax? Also state the degree of risk of non-payment that you would be willing to assume if the required rate of return after tax were 30%. Heading डालेगा evaluation of
evaluation of the offer received from new customers. Evaluation of the offer received from new customers. सेल कितनी इंक्रीज हो जाएगी वैसे 60,000. आपने लिखा इंक्रीज इन सेल्स रुपए 60,000, लेकिन अगर सेल बढ़ेगी तो इसमें से 10% तो फिर आप बैड डेप्ट मानिए ना. जाने 6,000 रुपए. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 80%. कॉस्ट ऑफ सेल्स का नाम क्वेश्चन में कितना क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. वो तो ठीक है. अच्छा, इससे आपको क्या पता चल जाएगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 6,000 आ गया. आप इसमें से ना 50% टैक्स माइनस कर दो. 50% यानि रुपीस 3,000. तो डिफरेंस भी आ गया रुपीस 3,000. ये 3,000 का जो डिफरेंस अब आया है, इसके आगे क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. आपने जहां से भी फाइनेंसिंग करवाई है, शेयर होल्डर्स है, वो आपसे बदले में कितनी एक्सपेक्टेशन की डिमांड कर रहे हैं? 40%. तो देख लेते कि हमें कितने एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी. तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट की हेडिंग डालनी पड़ेगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. वर्किंग नोट की हेडिंग है एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. बताइएगा इन कस्टमर्स को हम कितने महीनों का क्रेडिट देंगे? 1.5 मंथ. तो डेटर्स बैलेंस 1.5 महीने की सेल पर इन्वेस्टमेंट 1.5 महीने की कॉस्ट. लिखेगा सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 1.5 मंथ्स. सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 1.5 मंथ्स, कॉमा, द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 1.5 मंथ्स कॉस्ट ऑफ सेल्स. 1.5 मंथ्स कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज. अब देखिए एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स है 48,000. तो आप सोच लीजिए 1.5 महीने की कॉस्ट कितनी हुई? रुपए 6,000, 6,000 रुपए. तो हमें फंड्स चाहिए 6,000 रुपए के. तो आइए
6,000 रुपए के फंड्स अरेंज करें और फाइनेंसिंग कॉस्ट इसकी 40% कितना हुआ? 2,400। इसे माइनस करें और डिफरेंस बताएं 600 रुपए। चलो 600 रुपए का 6 रुपए आते तब भी वहां कह देते, ये तो फिर भी 600 रुपए है। तो लिखिएगा कंक्लूजन है, द ऑफर रिसीव्ड फ्रॉम न्यू कस्टमर्स, द ऑफर रिसीव्ड फ्रॉम न्यू कस्टमर्स शुड बी एक्सेप्टेड, द ऑफर रिसीव्ड फ्रॉम न्यू कस्टमर शुड बी एक्सेप्टेड एज इट विल लीड टू नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट, इट विल लीड टू नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹600, टू द एक्सटेंट ऑफ ₹600। क्वेश्चन की लास्ट लाइन ये कहती है, ऑल्सो स्टेट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दैट यू वुड बी विलिंग टू एज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स 30%। सवाल ये है कि शेयर होल्डर 40% नहीं 30% डिविडेंड लेकर भी खुश है, तो बताइए जो अभी बैड डेट 10% है आप इसे कितना अफोर्ड कर सकते हैं। सवाल देखो कहां से कहां पहुंचा है, शेयर होल्डर 30% डिविडेंड पर खुश है तो आप बैड डेट कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब पहले ना आप इसको समझ लो, देखो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है 600 रुपए, अगर शेयर होल्डर 30% डिविडेंड लेकर खुश है, हमने तो उसे 6000 मांगे, 30% हो गया 1800 रुपए। ऐसी सिचुएशन में आपको 2400 तो कमाने पड़ेंगे ना, ताकि अगर 1800 का डिविडेंड चला भी जाए तो 600 रुपए रह जाए। टैक्स का रेट 50% है तो टैक्स से पहले कितने कमाने चाहिए? 4800 रुपए, ताकि 2400 का टैक्स चला भी जाए तो भी 2400 तो बच जाए। अब और आगे बढ़ते हैं, सेल तो 60,000 ही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो 48,000 ही है, तो बताइए ऐसी सिचुएशन में बैड डेट हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से 7,200 रुपए, क्या कहते हैं? 7,200 का बैड डेट हम अफोर्ड कर सकते हैं ना? फिर ये बताइए 7,200 60,000 का कितना परसेंटेज? इसका मतलब अगर शेयर होल्डर 30% डिविडेंड लेकर खुश है तो हम भी बैड डेट 12% अफोर्ड कर सकते हैं। पर ये जो जवाब दिया गया है, ये जवाब एक शर्त पर दिया गया है कि आप ना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहते हैं। देखो जी, अगर आप हमसे हमारी हदी जानना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं 600 पर आंसर हमारी तरफ से हां हुआ था, अरे अगर 1 रुपए का आंसर होता तब भी हां कर देते। तो अगर आप हमसे हमारी हदी जानना चाहते हैं तो जी हम ये कहते हैं चलो ठीक है, अपने को 600 का प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, जीरो का भी प्रॉफिट आ जाए ना तो भी हम ना नहीं करा करते। मान लो हमने को कुछ नहीं चाहिए, बस हम इतना कमाना चाहते हैं कि शेयर होल्डर को डिविडेंड तो दे दे कम से कम। डिविडेंड कितना देना है? 1800 रुपए, तो इसका मतलब 1800 तो कमाने पड़ेंगे ना टैक्स के बाद, ताकि 1800 का डिविडेंड दिया जा सके। टैक्स का रेट है 50%, तो टैक्स से पहले कितने कमाए जाए? 3600 रुपए। सेल 60,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ सेल्स 48,000 रुपए, बैड डेट का परसेंटेज अमाउंट 8400 का परसेंटेज, तो आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम हद कही जा सकती है। मेरे ख्याल से ये आंसर मोर अप्रोप्रिएट रहेगा। लिखिएगा,
कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ बैड डेप्ट कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ बैड डेप्ट इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 30% आफ्टर टैक्स. ये आपने स्टेटमेंट की हेडिंग, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और आप इसके आगे लिखेगा. लेट अस अज्यूम दैट द प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 600 The present profit of rupees 600 is not desired for this calculation. The present profit of rupees 600 is not desired for this calculation. मानते हैं इस calculation के लिए present profit नहीं चाहिए. Present profit of rupees 600 is not desired for this calculation. Hence, The amount of profit after tax must at least be rupees. The amount of profit after tax must at least be rupees 1800 के ब्रैकेट्स में लिखेगा 30% ऑफ रुपीज 6000. आपको 6000 पर 30% 1800 का डिविडेंड देना है, तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब कम से कम 1800 तो होना चाहिए. आगे लिखेगा सिंस टैक्स रेट इज 50%, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, must at least be rupees 3600. क्या ये बात सही है? अगर आफ्टर टैक्स 1800 होना चाहिए यानी बिफोर टैक्स 3600 होना चाहिए. Therefore, maximum permissible bad debt मैक्सिमम परमिसिबल बैड डेप्ट इज कंप्यूटेड बिलो. लिखेगा सेल्स 60,000 रुपए, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स साठ हजार की सेल होगी, 48,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3600, डिफरेंस 8400 के आगे लिखेगा मैक्सिमम बैड डेब्ट्स. तो ऐसी सिचुएशन में हम बैड डेप्ट 8400 अफोर्ड कर सकते हैं. मैक्सिमम बैड डेप्ट्स ब्रैकेट में परसेंटेज 8400, सेल्स है 60,000, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर है 14%. आंसर आपने बताया 14%, ठीक बात है ना? हाँ, तो अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे. आखिरी क्वेश्चन सुनकर कितना दर्द हो गया नहीं, आपकी असली शिकायत मैं जानता हूं.
आप ये कह रहे हो जी आखिरी क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे चैप्टर को हम बीच में थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो बाकी बचे क्वेश्चंस का क्या होगा? वो क्या हमें अगली क्लास में करने होंगे? आपका दर्द जो है समझा जा सकता है, लेकिन क्या है भाई, ऐसा है मुझे भी तो घर जाना है ना। आओ आपका बस चले तो जब तक चैप्टर खत्म ना हो आप घर ही ना जाओ, ऐसा नहीं होता, समझा करो, ऐसा नहीं होता। आप ना गलत बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 160, उल्टा और टाइम खराब करोगे अपना। आरएसटी लिमिटेड इज कंसीडरिंग रिलैक्सिंग इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द टू प्रपोज्ड पॉलिसीज। Currently the firm has annual credit sales of rupees 225 lakhs and accounts receivable turnover ratio of 5 times in a year. The current level of loss due to bad debts is 7,50,000. The firm is required to give return of 20% of investment in accounts receivables. Variable costs are 60% of selling price. Given the following information, which is better option? Present policy, proposed policy 1, proposed policy 2. Annual credit sales, accounts receivable turnover ratio, bad debts losses. ये सारी information हमारे पास है। अच्छा, जिसको question ने कहा accounts receivable turnover ratio, मेरे ख्याल से आप इसको debtors turnover ratio के नाम से ज्यादा जानते हैं। फिर आपको debtors turnover ratio का formula भी याद होगा, credit sales divided by एवरेज डेटर्स। चलो खाली डेटर्स कह लेते हैं, एक ही बात है। हां जी, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स ना। आप आंसर शुरू करिए और लिखिएगा। डेटर्स बैलेंस इज इक्वल टू, यस, डेटर्स बैलेंस कैसे पता करें? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है भाई ये फॉर्मूला? डेटर्स बैलेंस पता करने का तरीका हो गया क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर। बड़ा सिंपल सा था ये तो हमारे लिए। चलिए, आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब आप ये बताइए कि प्रेजेंटली क्रेडिट सेल्स है कितने? वो क्या आप कहना चाहते हैं रुपीज 225 लाख, यानी आप कहना चाहते हैं 2,25,00,000, ठीक है ना? अच्छा, प्रेजेंटली डेटर्स टर्नओवर कितना है? 5 times। तो प्रेजेंट डेटर्स बैलेंस बताइए, फिर से बताइए, 45 लाख। प्रपोज्ड सिचुएशन फर्स्ट, प्रपोज सिचुएशन फर्स्ट, क्रेडिट सेल्स विल बी 275 लाख। डेटर्स टर्नओवर 4 times। डेटर्स बैलेंस बताइए 68 लाख, 75,000। प्रपोज्ड पॉलिसी सेकंड, क्रेडिट सेल्स विल बी 3,50,00,000। डेटर्स टर्नओवर विल बी 3 times। डेटर्स बैलेंस विल बी 1,16,00,000,
66,667. भाई ये आपने डेटर्स बैलेंस बता दिया वो तो ठीक है, पर आपको तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बताना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स जो आपको बताना है वो आपको कायदे से सोचे तो टोटल कॉस्ट पर बताना चाहिए, पर अब टोटल कॉस्ट अब क्वेश्चन में नहीं है तो हम अब वेरिएबल कॉस्ट का बेस तो ले ही सकते हैं ना। वेरिएबल कॉस्ट का बेस तो ले ही सकते हैं ना। क्वेश्चन में वैसे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या कहा गया है कि जी वो सेल का 60% है। अच्छा, एट प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंटली आपका जो डेटर्स बैलेंस है वो है 45 लाख, वो सेल पर है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसका 60%। तो बताइए प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 27 लाख। प्रपोज्ड सिचुएशन फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स विल बी 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू 68,75,000। 60% बताइए, फिर से बताइए, 41,25,000। प्रपोज्ड सिचुएशन सेकंड, अगेन इट विल बी 60% ऑफ 1,16,66,667, 70 लाख। हां जी, तो आपने पहले डेटर्स बैलेंस बताया, फिर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बताया वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर। अगली हेडिंग डालेगा इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस क्रेडिट पॉलिसीज, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस क्रेडिट पॉलिसीज। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट सिचुएशन, पर्टिकुलर्स प्रेजेंट सिचुएशन, प्रपोज्ड सिचुएशन फर्स्ट एंड प्रपोज्ड सिचुएशन सेकंड। ठीक है ना। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम सेल्स से। वैसे प्रेजेंटली सेल्स है आपकी 2,25,00,000। प्रपोज सिचुएशन 1, 2,75,00,000। प्रपोज सिचुएशन 2, 3,50,00,000। तो पहला काम आपने सेल्स रिकॉर्ड किया। अब सेल्स में से आप माइनस करिएगा वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 60% ऑफ सेल्स। प्रेजेंट 60% कितना लिखा जाए, दोबारा से बोलिए, 1,35,00,000। प्रपोज्ड ऑप्शन 1, 1,65,00,000। प्रपोज्ड आपने बताया 2,10,00,000, 2,10,00,000। माइनस बैड डेट्स, प्रेजेंट बैड डेट्स हैं 7,50,000।
प्रोपोज्ड ऑप्शन वन में 22,50,000, प्रोपोज्ड ऑप्शन टू में 47,50,000, माइनस फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, क्या लिखा आपने, फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको जरूर गिवन होगा 20%, और हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर ही बोल देंगे। ओके, 20% ऑफ 27 लैक्स, 5,40,000, 20% ऑफ 41,25,000, 8,25,000, 20% ऑफ 70 लैक्स, 14 लैक्स, 70. तो आप सेल्स में से ये सब माइनस करिए, पहला आंसर क्या है, 77,10,000 है पहला आंसर। दूसरा आंसर है 79,25,000, आखिरी आंसर 78,50,000, 78,50,000। ये जो आंसर आया है ना, आप इसके आगे लिखिएगा प्रॉफिट बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट। भाई फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने से आपको रोका किसने, है ही नहीं, क्वेश्चन रोक रहा है जी। तो होगी कोई फिक्स्ड कॉस्ट, कर दो एक इक्वल अमाउंट तीनों में से माइनस, देखो है ही नहीं तो हमारी भला से ना हो, हमारे डिसीजन पे थोड़ी कोई असर पड़ेगा। सब करना क्या बताओ, अच्छा क्या करना है, प्रपोज ऑप्शन वन, ठीक है लिखिएगा कंक्लूजन, इट इज रेकमेंडेड टू अडॉप्ट, इट इज रेकमेंडेड टू अडॉप्ट प्रपोज्ड ऑप्शन वन, प्रपोज्ड पॉलिसी वन, प्रपोज्ड पॉलिसी वन एज it will be most beneficial, it will be most beneficial under the given circumstances, it will be most beneficial under the given circumstances। देखो जी बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, है ना, आज बस इससे ज्यादा